दोस्तों मैं आपको आज वो खाने बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है या जीरो होता है, जिससे कि खाने के बाद शुगर कितना भी खा लो या तो एकदम बढ़ता नहीं है या 5 mg या 10 mg से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसे बोलते हैं जीरो कार्बोहाइड्रेट फूड, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 से कम होता है या जीरो होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका होता है कम? प्रोटीन एंड फैट, जो फूड प्रोटीन फूड या फैट फूड या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सलाद, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ना के बराबर होता है और ये जीरो कार्ब फूड कहलाते हैं। तो एक एक कर बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आप पनीर लीजिए, पनीर के 100 ग्राम में केवल 1.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि अगर दूध की मलाई लोगे उसके 100 ग्राम में केवल 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि फैट होता है 30%। तो पनीर या मलाई खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। तो जब भी आपका शुगर मान लो खाने के बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, तो डाइट में शुगर बढ़ाने वाले कार्बोहाइड्रेट घटा के और जीरो कार्बोहाइड्रेट या लो कार्बोहाइड्रेट जो फूड बताएं ऐड करेंगे तो आपको शुगर खाने के बाद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह घी मक्खन, इन सब में कार्बोहाइड्रेट जीरो होता है, तो कितना घी मक्खन खा लो इससे शुगर नहीं, जीरो बढ़ेगा। कोकोनट ऑयल, इसके अंदर शुगर एकदम नहीं होता है, जबकि कच्चा या पका कोकोनट खाओगे इसके अंदर थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक बहुत कम। तो मान लो कितना भी तो कोकोनट खा लोगे शुगर मुश्किल 2-4-5 पॉइंट ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। सिर्फ कच्चा कोकोनट या सूखा कोकोनट शुगर इनके 100 ग्राम में मुश्किल से 6 ग्राम कार्ब होता है, पर फैट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उस कार्बोहाइड्रेट शुगर बढ़ा नहीं पाता है, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 5 से भी कम होता है। कोकोनट ऑयल में जीरो कार्बोहाइड्रेट। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, हेल्दी, ये सब हेल्दी ऑयल होते हैं, उसके अंदर जीरो कार्बोहाइड्रेट। कच्ची घानी सरसों तेल जीरो कार्बोहाइड्रेट, शुगर बढ़ेगा कितना खा लीजिए, नहीं बढ़ेगा। मूंगफली के जो तेल होता है, तेल में जीरो कार्बोहाइड्रेट। सिसमे तेल, तिल का तेल जीरो कार्बोहाइड्रेट। MCT ऑयल जीरो कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से अगर फलों बात करो तो कुछ फलों में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, लेकिन एवोकाडो 100 ग्राम में केवल 2 ग्राम कार्ब होता है, जितना मर्जी खाओ शुगर नहीं बढ़ेगा। रास्पबेरी, ब्लैकबेरीज यानी शहतूत, स्ट्रॉबेरी, ऑलिव, इन सब 100 ग्राम में कुल 5 ग्राम इसका शुगर होता है, इससे शुगर बहुत कम बढ़ता है। तो ले सकते हैं आप ऑलिव में 100 ग्राम में कुल 3 ग्राम कार्ब होता है, शुगर नहीं बढ़ता इससे। अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट हमारे जितने सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, हेल्दी बीज सीड्स होते हैं, उनके अंदर शुगर बहुत ना के बराबर बढ़ता है, इसे बोलते हैं फ्री फूड, जब मर्जी खा सकते हो। अखरोट के 100 ग्राम में केवल आपका 2 ग्राम नेट कार्ब होता है, बाकी फाइबर होते हैं, हेल्दी फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी से होता है, तो इससे शुगर नहीं बढ़ता है। बादाम के 100 ग्राम में करीब 8 ग्राम कार्ब होता है, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 से भी कम होता है, क्योंकि प्रोटीन फाइबर फैट की वजह से शुगर बढ़ नहीं पाता है। पिस्ता के 100 ग्राम में 5 ग्राम कार्ब, काजू के 100 ग्राम में जो हमारा करीब इसमें 26 ग्राम कार्ब होता है, काजू के 100 ग्राम में 26 ग्राम कार्ब होता है, बट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना 26 के आसपास होता है। तो रोटी तुलना में ये भी खास कोई दिक्कत नहीं, शुगर से नहीं बढ़ता है। मूंगफली के भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 के आसपास तो कमी होता है, 100 ग्राम 2 ग्राम कार्ब। आलमंड मिल्क, बादाम मिल्क में बहुत कम कार्ब होता है। सीड्स, अलसी के बीज 100 ग्राम में केवल 0.5 ग्राम कार्ब है, तो जितनी मर्जी खाओ शुगर नहीं बढ़ेगा। चिया सीड के 100 ग्राम में 1.7 ग्राम कार्ब, बहुत कम कार्ब है। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट में क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट होता है, अगर बिना चीनी के लोगे तो शुगर बहुत 100 ग्राम के 1 ग्राम बहुत खास तो कोई दिक्कत नहीं है। तिल का बीज, पम्पकिन सीड में 100 ग्राम 5 ग्राम कार्ब होता है, खास तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे शुगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 कम होता है। जब भी भूख खा ली इससे शुगर नहीं बढ़ेगा आपको, तो अपने डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट कम करके आप पनीर ऐड कर लीजिए, थोड़ा घी मक्खन डाल ऐड कर लीजिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिए, थोड़ा सीड्स ऐड कर लीजिए, शुगर नहीं बढ़ेगा इससे आपको। सरसों का सॉस, शुगर बहुत कम होता है। सिमले अंडे,
अंडे के 100 ग्राम में 0 ग्राम कार्ब होता है। तो कितना भी अंडा खा लो, अंडे के येलो खा लो, अंडे ऑमलेट खा लो, शुगर नहीं बढ़ेगा। मीट मछली फिश चिकन 100 ग्राम में 0 ग्राम कार्ब होता है। तो कितना भी खाओ शुगर से नहीं बढ़ेगा। जब बटर चिकन खाओ शुगर नहीं बढ़ेगा। सी फूड शुगर नहीं बढ़ेगा। इसे चिकन सूप शुगर नहीं बढ़ेगा, 0 कार्ब है। टोमेटो सूप, कॉर्न सूप, जितने सूप्स होते हैं इसमें बहुत हार्डली आधा ग्राम कार्ब होता है, तो शुगर इसे नहीं बढ़ेगा। कीटो आटा होता है, एक स्पेशल आटा होता है जो कि आलमंड का और कोकोनट का आटे का बनता है। 100 ग्राम में केवल 4 ग्राम कार्ब होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 15 होता है, शुगर नहीं बढ़ता है। तो ये तो खाने की बात होगी, और ऊपर बात करते हैं हम लोग और चीज़ से शुगर नहीं बढ़ता। अगर बात करो ये देखो, जितने भी हम जीरो का सब्जी बात करो, जितने हमारे सलाद से खीरा मूली इन सब में 100 ग्राम में 3 ग्राम कार्ब, 2 से 3 ग्राम कार्ब होता है। बट चूँकि फाइबर बहुत होता है, शुगर बढ़ नहीं पाता उससे। प्याज सलाद पत्ती है, टमाटर है, टमाटर 100 ग्राम 3 ग्राम कार्ब होता है, बट शुगर नहीं बढ़ता क्योंकि फाइबर बहुत है इसमें। लेट्यूस कैरेट के 100 ग्राम में 7 ग्राम कार्ब होता है, खास तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बीट रूट चुकंदर 100 ग्राम में 8 ग्राम कार्ब होता है, किसी में 8 ग्राम किसी 7 ग्राम। शिमला मिर्च 100 ग्राम में केवल 3 ग्राम कार्ब, खाओ कोई दिक्कत नहीं। मशरूम 100 ग्राम में करीब 2 ग्राम कार्ब, खास शुगर नहीं बढ़ता है। जितने में फ्री फूड है इसका आप शॉर्ट कर वेजिटेबल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कितना भी खाओ, 100 ग्राम में 1 से 2 ग्राम कार्ब होता है, शुगर नहीं बढ़ेगा, 0 कार्ब। ऑलिव बोला 100 ग्राम में करीब 3 ग्राम कार्ब होता है, जितने मर्जी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। लौकी का आप चाहो तो आप सलाद बनाओ, सूप बनाओ, जो मर्जी सब्जी बनाओ, एस गॉड का सब्जी या जूस पियो, कोई दिक्कत नहीं है। पम्पकिन है वाइट, कोई दिक्कत नहीं है। बंद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली एक बहुत बड़ा हेल्दी वेजिटेबल होता है। ब्रोकली एक अल्कलाइन फूड होता है, इसे लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जितने कलरफुल सब्जी होती है, कलरफुल उसे काफ़ी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड होते हैं जो हार्ट किडनी सब बचा कर रहता है। फूल गोभी 0 कार्ब, 1-2 ग्राम कार्ब होता है। भिंडी सेम 1-2 ग्राम कार्ब। परवल 100 ग्राम में 1-2 ग्राम कार्ब। करेला में भी, करेला अच्छा होता है। करेला के अंदर क्या होता है कि केमिकल होता है चिरंथिन करके, जो कि शुगर भी कम करता है। बैगन में अच्छी चीज़ खा सको, कोई काब नहीं है। तोरी कोई काब नहीं है। ब्रोकली मतलब बहुत ही अच्छी वेजिटेबल, खूब खाया करो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सोया पनीर में भी शुगर 0 होता है, जितना मर्जी सोया पनीर सोया मिल्क 0 काब है, खास दौरान कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फूड है ये। और ऊपर चलते हैं हम लोग। फिर ड्रिंक बात करें, पानी अनलिमिटेड। सिरका होता है ना, चाहे एप्पल साइडर सिरका हो या गन्ने का सिरका हो, ले तो कोई दिक्कत, शुगर नहीं बढ़ता है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, नींबू टी बिना चीनी वाले, ब्लैक कॉफ़ी, हर्बल टी, इन सब शुगर नहीं है, ले तो 0 कार्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडा अगर बीपी मत लीजिए, डाइट को आजकल वैसे डाइट को हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं लेना चाहिए। और बीपी ने जलजीरा लेते हो, पुदीना ड्रिंक चटनी लेते हो, कोई भी चटनी लीजिए 0 कार्ब है। दालचीनी का पाउडर बना पी सकते हैं, दालचीनी चाय डाल पी सकते हैं, हल्दी आप दही डाल ले सकते, मसाला डाल सकते, काली मिर्च इसका ड्रिंक बना पी सकते हैं, लौंग इलायची कोई कार्ब नहीं है। तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता, जितने पत्ते होते हैं दे आर गुड। नीम पत्ता, करी पत्ता खाए करिए। ऑर्गेनो पाउडर, सोया सॉस, विनेगर बोला सिरका ले सकते हैं। अगर वैसे नॉर्मली जो स्वीटनर अवॉइड करना चाहिए, बट चाहे तो स्टीविया शुगर फ्री ले सकते हैं। आजकल थोड़ा इसके बारे में जो है ना शुगर फ्री नेचुरा या थोड़ा डाउट आ रहा है कि सर वेट गेन होता है, तो इसको अवॉइड करें, भी कन्फ्यूजन थोड़ा आ गया है। तो आपने देखा कि फ्री फूड क्या होता है, जब भी आप कुछ होते हैं, आज ही 2 बजे जाएंगे खाली पेट, 102 खाने पर 290, मुश्किल से उन्होंने बेचारे ने एक रोटी खाई, एक ने मुश्किल से थोड़ा सा वो खाया, क्या नाम कि क्या बोलते उसे, पौरी बना खाया, थोड़ा सा दूध डाल के। तो आपको अगर थोड़ा सा जरा सा कार्बाइड लिया, आपने थोड़ी सी रोटी लिया, थोड़ा सा आपने दलिया ले लिया या पौरी लिया, प्लस थोड़ा बादाम ले लिया, अखरोट ले लिया, पिस्ता काजू ले लिया, पनीर ले लिया, 2 चम्मच घी डाल लिया, थोड़ा सलाद ले लिया, हरी सब्ज़ी ले लिया, थोड़ा 50 ग्राम पनीर ले लिया, जब ये मिक्स फूड खाओगे इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होगा, प्रोटीन फैट सलाद हरी सब्जी ज़्यादा होगी,
तो आपको शुगर पिपिराइज नहीं करेगा। जब भी भूख लगे ड्राई फ्रूट पनीर चीज़ कोकोनट ये सब ले सकते हो। रिफाइंड फूड ब्रेड बिस्किट नमकीन फैन पापे रस कॉर्नफ्लेक्स नमकीन सब अवॉइड करो। बहुत कम खराब खाने होते हैं, ज़्यादा रोटी चावल ज़्यादा मत खाओ, उसके अपने कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन फैट को बढ़ाओ, हेल्दी फैट। घी मक्खन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बैड वाला, बट गुड एचडीएल ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट कोई नुकसान नहीं होता है। आप अंडे के येलो भी खा सकते हो, डरो मत। तो ये जीरो कार्ब फूड खाइए, इससे आपका शुगर भी घटेगा, वेट भी घटेगा, आपका गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन घटेगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे एंड लंबा जियोगे, शुगर फ्री कॉम्प्लिकेशन के आप जियोगे हमेशा के लिए। तो आई होप नॉलेज मिले कि शुगर जीरो कार्ब फूड क्या होते हैं और कैसे इसको खाना है।